ट्रैफिक पुलिस का बच्चों की हिफाजत के लिए अहम इकदाम। गैर मायारी एलपीजी सिलेंडर्स वाली स्कूल वैन्स और रिक्शों पर पाबंदी लगाने का फैसला। सीटीओ सेक्रेटरी स्कूल्स और जिला इंतजाम में मुरासला। गैर मायारी सिलेंडर पर वैन और रिक्शा बंद कर दिया जाएगा। गाड़ियां रोककर ई चालानी के 20 करोड़ वसूल करने से ट्रैफिक पुलिस की माजरत। सेफ सिटी अथॉरिटी ने मरासला लिखकर वसूली में मदद की गुजारिश की थी। ट्रैफिक हुकाम ने ई चालानों के गैर कानूनी होने पर कार्रवाई न करने का फैसला किया। लाहौर समेत दीगर अजला से पुलिस चेक पोस्टें खत्म करने का फैसला। आईजी पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। आईजी पंजाब की जेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। अम की सूरत हाल और पुलिस टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डेंगू कंट्रोल मुहिम पर सवालिया निशान। मजीद 23 लाहौरियों में वायरस की तशखीस। दीगर इजला में भी 204 नए मरीज। 24 घंटों में 1197 मुकामात से लावा बरामद। 126 मुकदमा दर्ज। डीसी असगर जोया का शेख जैद अस्पताल के डेंगू वार्ड का दौरा। डेंगू मरीजों के लिए सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। हस्पतालों की निजकार के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल का 5वां रोज। टीचिंग हस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजों से डॉक्टर्स और अमला गायब। इलाज मुआवजा मौतल। लेबॉरेटरीज में टेस्ट की सहूलियात। ओपीडीज में ऑपरेशन मुतासर। मरीज और लवाहकीन मायूस वापस लौट गए। नाबीना अफराद का चेयरिंग क्रॉस पर दूसरे रोज भी धरना। महकमा तालीम समेत दीगर इदारों में नाबीना मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा पूरा करने का मुतालबा। बसारत से महरूम मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिका हुकूमत का एक और मंसूबा तब्दीली सरकार की जद पे। महकमा स्कूल एजुकेशन का भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल कोइंग वजीफे की फराहमी से इनकार। फंड रुकने से सैकड़ों बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनकता हो जाने का खदशा। बादामी बाग लारी अड्डे को डिजिटल करने की तैयारी। पंजाब आईटी बोर्ड का सॉफ्टवेयर तैयार। प्रोग्राम की मदद से 1 लाख मुसाफिरों और 3000 गाड़ियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जा सकेगा। अड्डा डिजिटल होने से ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां रोकने में मदद मिलेगी। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स तकरीबात की मुनासबत से मुकाबला हुस्ने किरत और तकरीर का इनेकार। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम, जबकि उसके लिए लंगर सिक्योरिटी और प्रोग्राम्स के इंतजामात मुकम्मल। ज़ारीन के लिए 2 आरसी रिहाइशगाहें भी तैयार। हजरत दाता गंजबख्श के 976वें सालाना उर्स पर तातील का ऐलान। 19 अक्टूबर बरोज हफ्ता जिले इंतजामिया के दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बरतानवी शाही जोड़े की लाहौर आमद का प्रोग्राम तब्दील। शहजादा विलियम और शहजादी केट अब कल की बजाय जुमेरात के रोज जिंदा दिलों के मेहमान होंगे। शाही जोड़े के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां और सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। किसी शाहराह पर रात में अंधेरा तो किसी पर दिन के वक्त लाइटें रोशन। मौलाना शौकत अली रोड पर दिन के वक्त भी स्ट्रीट लाइट्स रोशन। गैर जरूरी लाइट्स जलने से बिजली जाया होने लगी। पीएचए का 302 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। इंजीनियर्स के लिए बुनियादी तनख्वाह का 1.5% टेक्निकल अलाउंस। मालियों के होनहार बच्चों के लिए 1 लाख रुपए तक का ऐलान। जबकि साल 2019-20 का 3 अरब 80 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर। रवा माली साल पीएचए एक भी तरक्याती मंसूबा शुरू न कर सका। कस्टम्स इंटेलिजेंस टीम की शाहदरा के करीब कार्रवाई। मुसाफिर बस से 38,000 मीटर भारतीय साख्ता स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया गया। कार्रवाई कस्टम्स इंटेलिजेंस की खुफिया इतलाह पर की गई। करोल गांव में 2 ग्रुपों में तनाजिया। एक ग्रुप का मुखालिफिन की स्कूल वैन पर हमला। एक बच्ची जख्मी। ड्राइवर बच्चों समेत वैन भगा ले जाने में कामयाब। भाई के झगड़े से इजहार लातालुकी करते हुए पुलिस को कार्यवाही के लिए दरखास्त दी थी। घरेलू नाचाकियां और झगड़ों के सबब टूटते बिखरते घर। मुतासिर ख्वातीन का खुला के लिए अदालतों से रुजू बढ़ गया। रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 नए केसेस दायर। एक हफ्ते के दौरान 20 ख्वातीन को डिग्री जारी की गई। शहरी की शिकायत पर स्मार्ट जोन लॉरेंस रोड के खिलाफ डिग्री जारी। सार्फ अदालत का फ्रिज तब्दील करने या 1,60,000 रुपए अदा करने का हुक्म। मुल्तान रोड के गुलाम अब्बास ने खराब फ्रिज वापस या तब्दील न करने पर दुकानदार के खिलाफ दावा किया था।
महंगाई के बेकाबू झीन पर काबू पाने के लिए वजीर आजम का नोटिस, जुमे के रोज अहम इजलास तलब। अशियाए जरूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के लिए प्राइस कमेटियों को मुतहरिक करने का फैसला। मस्नूई महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तरफा करीम टावर में अहम इजलास। डेंगू की रोकथाम के लिए मुहिम का जायजा। इलाज मुआलजे की सहूलियात मजीद बेहतर बनाने के लिए पेशरफ पर भी गुफ्तगू। जबकि वज़ीर आला से वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जवाबख की मुलाकात। महकमा खजाना की एक साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से महकमा खजाना की कारकर्दगी की तारीफ। सदर काफ लीग चौदिश जात से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मेजारी की मुलाकात। चौदिश जात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी मामलात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही से 5 रुकनी जापानी वफ्द की मुलाकात। असम्बली की नई इमारत में सोलर एनर्जी सिस्टम की तंसीब पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने दोस्त मुमारक से दरीना तालुकात को पाकिस्तानियों के लिए काबिले फखर करार दे दिया। आजादी मार्च में शिरकत का सवाल। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से आज अहम रास्ते का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ की हिदायत पर एहसन इकबाल बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल नून लीग अपोजिशन लीडर का खसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का रेलवे स्टेशन का दौरा। फार्मेसी और वेटिंग हॉल का इफ्तिताह। वजीर रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर गोलगप्पे भी खाए। जबकि शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर सियासी इंतशार के महीने हैं। जनवरी के बाद इमरान खान छा जाएंगे। शरीफ खानदान के हवाले से कहा मरियम बीबी ने उन्हें इस मकाम पर पहुँचाया। इमरान को कहा कि उन्हें छोड़ दो मगर वो नहीं मानता। हुकूमती कानून साजी के तोड़ के लिए नून लीग मुतहरिक। कन्वीनियर वारिस कल्लू की ज़ेरे सदारत नून लीग की पार्टी कमेटी बराए कानून साजी का मुशावरती इजलास। हुकूमत को एनटीआई एक्ट पर टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। सेशन जज कैसर नजीर बाग की ज़ेरे सदारत इजलास। एडिशनल सेशन जजेस को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। जमानतों पर समाप्त करने वाले जजेस की इजलास में खसूसी शिरकत। कैंट और मॉडल टाउन के जजेस की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सेहत इंसाफ कार्ड से 72 लाख खानदानों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद की ज़ेरे सदारत इजलास। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ने कहा पंजाब के 28 इजला में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबाई वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। इजलास में टेफ्टा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मुख्तसर और तवील मुद्दती मंसूबों बारे भी आगाह किया गया। डैम फंड साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बनाया, हमने नहीं, लोगों ने जितनी भी रकम दी वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाउडा की मीडिया टॉक। विफाकी वजीर का वाजिद नामी बच्चे को इलाज के लिए शौकत खानम अस्पताल दाखिल करने का ऐलान। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा इमरान नजीर की लीगी कारकुनान से मुलाकात। आजादी मार्च के हवाले से मुशावरत। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा नालायक हुकूमत की पॉलिसीज ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बोले तंजीम सासी में मुखलिस कारकुनान को ओहदे देंगे। मोदी जुल्म करके उसे छुपा नहीं सकता, पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का फ्लैटीज होटल में तकरीब से खिताब। कहते हैं भारतीय फौज भी पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मशवरा कश्मीर खारिज करने की कोशिश हुई। महकमा दाखिला का सहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार करने का हुक्म। सिक्योरिटी उमूर की अंजामदही के लिए लाहौर पुलिस को हेलीकॉप्टर भी फराहम कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास। बेनामी जायदादों की निशानदही प्राइस कंट्रोल और स्मॉग से निपटने के लिए इकदाम का जायजा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। DGLTA मोहम्मद उस्मान मौसम की ज़ेरे सदारत इजलास। लीगल एडवाइजर्स की कारकर्दगी और उनके मसाइल का जायजा लिया। अफसरान को ज़ेरे समाअत मुकदमा की मौसर पैरवी के लिए SOP पर अमल दरामद की हिदायत की।
एक्टिवा के मरकजी चेयरमैन इमानुल्लाह कासिम और चेयरमैन पंजाब आदिल बशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉटन की फसल की पैदावार में कमी, गैर मियारी बीज पर तहफुजात का इजहार। हुकूमत से कॉटन की दरामद पर आयद ड्यूटी खत्म करने और सेल्स टैक्स रिफंड बर वक्त देने का मुतालबा। टैक्सेस के मसाइल, कारोबारी जम्मू से कैसे निपटा जाए। शहर भर की मार्केट्स के अहदेदारान का लाहौर चैम्बर में बड़ा कट। अनारकली के ताजरों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया, ताजरों का अनारकली बाजार में पार्किंग प्लाजा बनवाने का मुतालबा। चमकता दमकता ये प्यारा वतन, खुशबुए बिखरे रंग और ये अमन, ए शहीदों तहनी से है। FIA बिल्डिंग धमाके में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर राणा मोहम्मद फारूकी 10वीं बरसी पर खिराज तहसीन। कब्र पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूलों की चादर और फाते खानी। FC कॉलेज तलबा के 40 रुकनी वफ की लाहौर चैम्बर आमद, तलबा की नाज सदर चैम्बर मियाँ जाहिद जावेद से मुलाकात। तलबा को मुल्की मईशियत की बहाली में लाहौर चैम्बर के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। और OTC लाहौर चैलेंज कप टूर्नामेंट की तैयारियां जारी। टूर्नामेंट के लिए डिसिप्लिनरी, टेक्निकल और एम्पायर्स कमेटी समेत 3 कमेटियां तश्कील दे दी गई। टूर्नामेंट कमेटी के सरबराह मलिक सज्जाद अकबर ने मंजूरी दे दी।